सो अब्दुल्ला को प्रॉब्लम नहीं हुई घर से, वैसे लड़कों को इतनी होती नहीं है शोबिज में जाने के, लेकिन फिर भी घर में पेरेंट्स की तरफ से कि भाई ये फील जाओ नहीं जाओ, थोड़ा सा तो होता होगा। उसकी एक रीज़न ये भी है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा जो है वो फिल्म से रिलेटेड है। अच्छा, हाँ, मेरे नाना मेरे नाना फिल्म डायरेक्टर थे, शेख रियाज अहमद, बड़े फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। अच्छा, और दे आर सो मैनी बिग ब्लॉक, काला पानी, सस्सी पुन्नो, खानदान फिल्म थी मोहम्मद अली साहब की, डबल रोल उसमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप तो चुनने से होंगे उस वक्त, पैदा भी नहीं थे। नहीं, पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि ये एरा था 1955 से 75 तक के टाइम में, इन्होंने कोई 20-25 फिल्म्स थी जो इन्होंने बनाई थी। तो वो एक फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट, वो आपके नाना थे, वो मेरे नाना थे, वो आपके नाना थे। अब्बू और अम्मी का कोई ताल्लुक नहीं था शोबिज से? अब्बू का बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं था शोबिज से। अब्बू गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बिलिंग ऑफिसर नॉर्दर्न गैस में। और लेकिन अब्बू के अंदर एक जो सबसे मजे की चीज थी ना, कि उनके अंदर जो टैलेंट था, हाँ, एक्टिंग वाला, और यानी कि किसी की भी मिमिक्री कर लेना, हाँ, और अगर वो ऑफिस में बैठे हुए हैं और कोई कंज्यूमर उनके पास आया और उनका मूड बना इस टाइम के अमिताभ उनके अंदर आ गया, तो इस टाइम फिर अमिताभ आ गए उनके अंदर। अच्छा, अरे, तो कभी हाँ कभी आपका कोई वो कहता है अमजद खान बन के कभी आपके ऊपर उन्होंने रोब झाड़ा होता है ना अब्बा, कभी कभी गुस्से चढ़ जाते हैं। इतने फ्रेंडली, इतने अब्बू की थे, बहुत जॉली, बहुत लाइवली। हाँ। तो इट्स बीन 1.5 years के उनके ही पास है भाई। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the Airwide Digital YouTube channel.